हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम एक केस और करेंगे। ये केस एक लेडी का है, अराउंड 34 इयर्स। वो मेरे पास आई तो यूजुअली मैंने उसको एक दो मेडिसिन ऑलरेडी दिया था। उसको तकलीफ था हेयर फॉल का, उसको मतलब उसको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हेयर फॉल की तकलीफ थी, बॉडी पे इरप्शंस, पूरे बॉडी को उसकी इरप्शन से छोटे छोटे दाने करके पूरे बॉडीज पे निकल रहे थे। रेड रैशेस, ईचिंग हो रही थी उसकी बॉडी पे, एंड हेयर फॉल था उसको तकलीफ का, हेयर फॉल का तकलीफ था उसको। एंड काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा निकल रहा था, मतलब कॉम करने पे या शैम्पू करने पे काफ़ी बाल निकलते थे, ऐसा उसका कहना था। तो मैंने दो मेडिसिन चेंज किया, बट पेशेंट को कुछ भी आराम नहीं हुआ। थर्ड टाइम शी कम एंड उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब कि क्या दवा दे रहे हैं आप, कैसी दवा देते हो, हाँ मेरे को कुछ आराम ही नहीं आ रहा है। आपको पता है मेरे कितने बाल निकल रहे हैं? एक एक किलो मेरे बाल निकल रहे हैं दिन के, एक एक किलो। अगर ऐसे ही एक एक किलो निकलेंगे तो मैं मतलब फिर क्या होगा, मेरा पूरा बाल ही नहीं रहेगा मेरे सर के ऊपर, मतलब दिन का एक एक किलो निकल रहा है मेरा बाल। तो मैंने बोला एक एक किलो, तो मैंने उसने बोला हाँ एक एक किलो भर के निकलता है मेरा बाल। तो मैंने बोला आपने कैसे नापा? अरे डॉक्टर साहब मैं निकालती हूँ, मुझे पता है ना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला और? तो बोला और कुछ नहीं, बस ये दाने हैं, ये मुझे हेयर फॉल हो रहा है, ये मुझे किस वजह से हो रहा है, क्या मेरे कोई मेंटल स्ट्रेस ले रही हूँ, या फिर मेरा हॉर्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे कुछ खाने से हो रहा है, या किस वजह से हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है, या मेरे खाने में कुछ गड़बड़ी हो रही है, या मैं अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं खा रही हूँ, या फिर मेरे हॉर्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर और कोई स्ट्रेस है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ चिंता हो रही क्या उसको लेके, या फिर लाइफ में कोई स्ट्रेस है क्या जिस किसी बात का जो इतना स्ट्रेस ले रहे हो और हेयर फॉल हो रहा है? तो उसने बोला सर स्ट्रेस नहीं, मतलब दिन का वही रूटीन का काम है, मतलब रोज़ सुबह उठो, नाश्ता, फिर खाना, फिर रूम धोना, पोछा मारना, फिर पेरेंट्स को खाना खिलाना, फिर हस्बैंड को ऑफिस जाते हैं, फिर उनको खाना देना, फिर रूटीन वही, फिर दोपहर में आओ, फिर खाना, फिर दोपहर में फिर लंच, फिर उसके बाद फिर शाम को एक घंटा आराम करके फिर से शाम का खाना, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में। तो मुझे तो ऐसा हो गया कि लगता है कि मैं कोई इंसान नहीं मशीन हूँ। मतलब सुबह उठ गई, बटन चालू कर दिया, बस सुबह से शाम तक बस चलते रहती हूँ। फिर रात को थोड़ा सा मुझे किसी ने बटन बंद किया और मैं फिर थोड़ा सो गई। बस मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं एक इंसान नहीं, मैं एक मशीन जैसा काम करते दिन भर, मतलब बस भागते रहो, काम, और कुछ लाइफ ही नहीं रह गई काम के अलावा। बस वही रोज़ का घिस्सा पिटा, रोज़ का काम करो, सुबह उठ के वही रोज़ाना वही काम करो, सुबह से शाम तक इसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, और कोई टेंशन? बोले ना और कोई टेंशन नहीं डॉक्टर साहब, बाकी सब ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये हेयर फॉल रुकना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इतना बाल निकलेगा तो कैसे चलेगा डॉक्टर साहब, एक लेडी के इतने बाल निकलेंगे तो कितना रह जाएगा मेरे सर में बाल फिर? तो मैंने बोला ठीक है मैं दवा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे बताइए जैसा रहेगा 15-20 दिन में। एंड मैंने उसे मेडिसिन दिया और मेडिसिन देने के बाद मैंने उसे 30 पोटेंसी में दिया। 30 पोटेंसी देने के बाद उसके 15 डेज में उसके जो हेयर फॉल की इंटेंसिटी थी वो काफ़ी रिड्यूस हो गई और इरप्शंस पूरे ड्राई हो गए थे, जो भी उसके बॉडी पे इरप्शंस थे वो पूरे कम हो गए थे, तो इचिंग भी नहीं रह गई उसके बाद 15-20 दिन के बाद। वाई एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी, मतलब हेयर फॉल काफ़ी 50-60% रिड्यूस थे उसके वो मेडिसिन के बाद से। आई यूजली तो मैंने थर्ड प्रिस्क्रिप्शन मैंने उसे दिया था ये मेडिसिन का, तीसरी मेडिसिन उसे करेक्ट बैठी एंड तीसरे मेडिसिन के बाद वो शी वॉज कम्प्लीटली फाइन, उसके हेयर फॉल रिड्यूस हो गए, उसके इरप्शन पूरे चले गए। उसके बाद वो शी इज़ अंडर माई ट्रीटमेंट, अब 4-5 मंथ हो गया, हेयर फॉल एकदम नहीं है, बहुत मामूली सा जो नॉर्मल जो गिरता है थोड़ा बहुत वही है, बाकी जैसे बाल नहीं गिरते, इरप्शन पूरे ड्राई हो गए, ठीक हो गए, ठीक है। सो अब इस पेशेंट में क्या है, अब आप देखिए ये पेशेंट क्या बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे एक एक किलो बाल गिरता है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर पूरे बाल भी निकाल के अगर आप करोगे तो भी एक किलो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है एक किलो होने का। तो ये क्या कर रही है, ये इतना ज़्यादा शो कर रही है कि ताकि मतलब डॉक्टर को पता चले कि मेरे बाल कितने गिर रहे हैं। वो क्या करना चाहती है, वो एग्जैग्रेट कर रही है अपने सिम्टम को, क्या कर रही है, एग्जैग्रेटिंग सिम्टम ऑफ एक किलो बाल अगर दिन में आदमी के सर के ऊपर अगर आप पूरा निकाल के भी करोगे तो भी एक किलो नहीं होंगे। तो इसका कहना है कि एक एक किलो एक एक दिन में गिर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। तो
तो 1 किलो इसके लिए जो है ये एग्जैगरेट कर रही है अपने सिम्टम को, तो एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स हर। तो ये रूब्रिक मैंने फर्स्ट अप्लाई किया, सेकेंड रूब्रिक मैंने अप्लाई किया, ये क्या बोल रही है, किस वजह से हो रहा है, मेरे खाने से हो रहा है कि मेरे हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम है या मेरे स्ट्रेस की वजह से है या मैं कुछ खा रही हूँ उसकी वजह से, तो ये क्या कर रही है, ग्रोपिंग कर रही है कंटिन्यू कि मुझे किस वजह से हो रहा है, अपने अंदर ही टटोल रही है। टटोलना बोलते हैं ना, ग्रोपिंग मतलब अपने अंदर ही ढूंढना कि आखिर मैं किस वजह से परेशान हूँ अपनी लाइफ में, इससे हो रहा है या उससे हो रहा है या इससे हो रहा है या ये खाने से होता है या वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ग्रोपिंग एज इफ इन अ डार्क, वो डार्क में है और डार्क में ग्रोप कर रही है। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। आप एक अंधेरे में एक 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 बेड एक रूम में आप लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ है, और कोई पर्सन आता है और अगर उसको पता नहीं है कि बोर्ड स्विच बोर्ड कहाँ है, तो वो आते क्या करता है, टटोलता है ऐसे ऐसे दीवार पे हाथ लगा के, सब चेक करता है आखिर बोर्ड किधर है, ताकि वो बोर्ड तक पहुँच जाए। धीरे धीरे करके वो दीवार टच करते करते टटोलता है, मतलब छूने की कोशिश करता है कि बोर्ड मिल जाए। तो ये क्या कर रही है, यही होता है ग्रोपिंग एज इफ इन अ डार्क, टटोलना ढूंढ, मतलब अपने अंदर ही अपने आप को डार्क में है और खोज रही कि किस वजह से हो रहा है, ग्रोप कर रही है ना, ग्रोपिंग कर रही है उसके अंदर। तो ये ग्रोपिंग एज इफ इन अ डार्क मैंने वहाँ अप्लाई किया था। और इम्पोर्टेंट रूब्रिक उसने क्या बोला कि सुबह उठते ही बस मशीन की तरह चालू हो जाती हूँ, किसी ने बटन दबाया बस मशीन की जैसा, सुबह से लेकर शाम तक बस मशीन की तरह मैं काम कर रही हूँ बस, और रात को किसी ने बटन बंद कर दिया तो वो सो जाती है। तो ये क्या है, डिल्यूजन, मशीन ही इज़ वर्किंग। ठीक है, तो ये रूब्रिक बहुत अच्छा है, डिल्यूजन ही इज़ वर्किंग अ मशीन, उसको लगता है वो एक मशीन है, एक मशीन की तरह दिन भर काम कर रही है, वही रोज़ का घिसा पिटा काम। रोज़ का घिसा पिटा काम क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस है ना, उसके लिए घिसा पिटा रोज़ का वही काम है, डिलीजन बिजनेस ऑर्डिनरी परसीविंग, उसको लगता है रोज़ वही तो काम है, रोज़ वही घिसा पिटा काम है, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, लंच डिनर, उसके बाद रात होए, फिर वही मशीन की तरह वही एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें कुछ नयापन नहीं है, लाइफ उसी में ही बिजी है। तो ये हो गया डिलीजन बिजनेस ऑर्डिनरी परस्यूइंग, एक रूब्रिक है हमारे पास, डिलीजन बिजनेस ऑर्डिनरी और डिलीजन ही इज़ वर्किंग अ मशीन, उसको लगता है वो एक मशीन की तरह वही वही सेम घिसा पिटा ऑर्डिनरी काम रोज करती है। तो इसको मैंने प्लम्बम मेट दिया था, प्लम्बम मेट देने के बाद इसके कंप्लेंट ठीक हो गए और ये नॉर्मल हो गए, इसके हेयर फॉल भी निकल गए, उसके इरप्शंस भी निकल गए। ठीक है, और माइंड भी जो थोड़ा बहुत था, मैंने उसको पूछा कि अब कैसा लग रहा है, बोलते डॉक्टर साहब तो मतलब डेली वही काम करना है, मैं तो वैसी कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर जो उसका मेन कंसर्न था मशीन का फीलिंग का, और जो उसका मेन कंसर्न था उसका इरप्शंस का और हेयरफॉल का, वो प्लम्बम ने तोड़ दिया और प्लम्बम मेट से वो क्लियर हो गई। ठीक है, अब थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एग्जैगरेटिंग से, एक्स्ट्रावेंजाइन से रूब्रिक और डिलीजन इलाज्ड है। एग्जैगरेटिंग में क्या होता है, एग्जैगरेटिंग में आप समझिए कि एग्जैगरेटिंग में अपने कंप्लेंट को बहुत ज़्यादा चढ़ा के बोलना। जैसे अब 1 किलो बाल है, पॉसिबल ही नहीं लाइफ में 1 किलो बाल किसी का गिरता है, नहीं गिरता है। पर इस लेडी ने क्या बोला कि मेरे 1-1 किलो बाल 1-1 दिन में गिरते हैं, नहीं पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, तो कुछ एक पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब मैं मुझे इधर मेरी सर्दी ना एक अपना मग्गा आता है ना, मग्गा पानी वाला, बोलते भर भर के निकलता है। एक एलर्जी वाला पेशेंट मुझे बोला कि मेरा मग्गा भर भर के पूरा सर्दी निकल जाती है, इतना भर जाता है पूरा। तो मैंने बोला यार इतना भर जाता है, इतना सर्दी कहाँ से लाते हो, ये भी एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स है। डॉक्टर साहब ड्रम भर भर के मेरा पूरा खून निकल गया, आपको पता है ड्रम भर के खून निकला मेरा, ये भी एग्जैगरेटिंग है। ड्रम भर के किसी का खून निकलता है, बॉडी में इतना खून ही नहीं है, तो ये एग्जैगरेटिंग है। जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने एडवांस से चढ़ा के बोलना वो एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स हैं। सेकेंड हमने बोला एक्स्ट्रावेंजाइंस में उसको सिर्फ पेशेंट आके बोला डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो ये नहीं बोलेगा कि कोई एग्जांपल देगा, सिर्फ बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, आप बता नहीं सकता मुझे इतना दर्द है ना डॉक्टर साहब, सहन ही नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है। तो ये एक एग्जांपल है, उसमें सिर्फ बहुत की बात करेगा। एक्स्ट्रावेंजाइंस में पेशेंट आके सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ है, बस हर जगह आप देखोगे उसके शरीर में बहुत रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। एक्स्ट्रावेंजाइंस मतलब बहुत ज़्यादा है, उसकी तीव्रता उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। पेशेंट बार बार आपको बोल के बताएगा दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही डॉक्टर साहब, लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, लिमिट के बाहर स्ट्रेस है, आपको बताने लायक नहीं इतना स्ट्रेस है मेरी लाइफ में। तो ये भी एक्स्ट्रावेंजाइंस है, एक्स्ट्रावेंजाइंस में सिर्फ बहुत की बात करता है, एग्जैगरेटिंग में चीज़ों को बहुत लिमिट के बाहर ही बता देता है कि जो आप एज्यूम ही नहीं कर सकते इतना इसको हो सकता है। ठीक है, और डिलीजन इनलार्ज्ड में आप देखिए क्या रूब्रिक क्या है, डिलीजन इनलार्ज्ड मतलब पहले वो कम था अब ज़्यादा हो गया है,
इनलास्ड हो गया ना, तो ऐसे पेशेंट आ गया, डॉक्टर साहब पहले मेरा दर्द इतना नहीं था बट पिछले 2-3 दिनों से दर्द बढ़ गया है, मतलब दर्द पहले से ज़्यादा है मुझे, अभी पहले तकलीफ कम थी अब ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जो लीजन इनलास्ड हो गई है। डॉक्टर साहब पहले तो आप कम फीस लेते थे, अब आपकी फ़ीस ज़्यादा हो गई, अब आप ज़्यादा फीस लेने लगे, डिलीजन इनलास्ट यहाँ भी आएगा। डॉक्टर साहब आप पहले वहाँ 5 नंबर में रहते थे, वहाँ से अब यहाँ आ गए, मुझे यहाँ से बहुत डिस्टेंस दूर पड़ता है, ये भी डिलीजन इनलास्ट है, मतलब उसके डिस्टेंस में इनलास्ट हो गया ना, बढ़ गया है, तो मैं पहले नज़दीक था उसके, अब मैं उससे दूर हो गया हूँ, तो डिलीजन इनलास्ट, डिलीजन इनलास्ट डिस्टेंस, ये भी रूबरी हमारे पास। तो पहले चीज़ें कम थी अब ज़्यादा हो गई है, पेशेंट बोलता है डिलीजन इनलास्ट वाला, डॉक्टर साहब पहले दर्द मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा करता था, अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, मतलब डिलीजन इनलास्ट, ये जो डिलीजन इनलास्ट वाले होते हैं कम थे पहले, अब बोलते हैं ज़्यादा हो गया है, आपकी फ़ीस कम थी अब ज़्यादा हो गई है, ठीक है, आप पहले पास में थे अब दूर हो गए, ये भी डिलीजन इनलास्ट है। तो ये डिलीजन इनलास्ट वाले पहले कम की बात करेंगे, फिर आज बढ़ गया, जब आज तकलीफ़ ज़्यादा हो गई है, पहले इतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मोड़ा था, पर अब तकलीफ़ ज़्यादा हो गई है, तो ये डिलीजन इनलास्ट वाले पेशेंट बोलते हैं। एक्स्ट्रा वेंजाइंस वाले मैंने आपको बताया सिर्फ बहुत की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत लाइफ में स्ट्रेस, बहुत 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 की बात करते हैं एक्स्ट्रा वेंजाइंस वाले, सिर्फ उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एग्जैग्रेटिंग में तो आप जानते ही हैं, मग्गा भर के सर्दी निकल रहा है, ठीक है, अब 1 किलो बाल निकल रहा है, हाँ, ये ड्रम भर के मेरा खून चला गया डॉक्टर साहब, इतना खून निकला मेरे को, तो ये सारे सिम्टम जो है ये एग्जैग्रेटिंग है, मतलब एग्जैग्रेटिंग मतलब हद से ज़्यादा ही बता देता है, जो कि जिसको एज्यूम करना ही हमारे लिए तकलीफ है, मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर पाते ना कि कैसे करें एक मग्गा भर के, एक ड्रम भर के खून और 1 किलो बाल कैसे हम एज्यूम कर ले, नॉट पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये एग्जैग्रेटिंग सिम्टम्स है। सो ये 3 डिफ्रेंशिएट है डिलीजन इनलार्ज्ड, एक्स्ट्रा वेंजाइंस और एग्जैग्रेटिंग सिम्टम्स में। तो मैंने इसे प्लम्बम मेड दिया और प्लम्बम मेड देने के बाद इसके कंप्लेंट ठीक हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ प्लम्बम मेड, थैंक यू।